How are you all? Fine. Okay, so children, today we are going to study subject GK of class 3, right? We have already completed up till chapter number 43. Now today we are going to study chapter number 44. Okay, children? Chalo, let's start now. See here, landmarks in India. India ke landmarks ke baare mein hum aaj padhenge. Dekho, kya liya hua? It is a symbol of peace. ये जो टेम्पल है ये पीस का सिंबल है, मतलब शांति का प्रतीक है. इट इज एन आर्किटेक्चरल मार्वल ऑफ द बाह्या फेथ. किसके फेथ में बना हुआ है ये? बाह्या फेथ में. ओके, तो ये कौन सा टेम्पल है? इट इज लोटस टेम्पल, राइट? सो नाउ सेकंड नंबर सी हियर, इट इज लोकेटेड इन ओडिशा. ये ओडिशा में आया है. और ये किसको दिया, किसको डेडिकेट किया हुआ है ये टेम्पल? इट इज डेडिकेटेड टू सन गॉड और सूर्या, मतलब भगवान, किस कौन से भगवान का? सूर्य भगवान का मंदिर है ये. सो दैट इज कोणार्क टेम्पल, राइट? कोणार्क टेम्पल ओडिशा, ठीक है. फिर देखो, इट इज द लार्जेस्ट मोस्क्यू इन इंडिया. इंडिया का सबसे बड़ा मोस्क्यू, मतलब इंडिया का सबसे बड़ा मस्जिद है ये. और ये कहाँ पे है? दिल्ली में. तो कौन सी मस्जिद है ये? जामा मस्जिद. जामा मस्जिद इज इन दिल्ली और वो इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद है, ठीक है. फिर देखो यहाँ पे मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है. सिटी ऑफ टेंपल, जहाँ पे बहुत सारे टेंपल है ऐसी सिटी, तो वो कौन सी है? वाराणसी, ठीक है. फिर है पिंक सिटी, तो पिंक सिटी में आएगा जयपुर. फिर है लैंड ऑफ फाइव रिवर्स, ऐसा सिटी जिसमें पांच रिवर्स है, सो दैट इज पंजाब, जहाँ पांच नदियां मिलती हैं. और गॉड्स ऑन कंट्री, भगवान की खुद की कंट्री, दैट इज केरला. ओके, तो ये मैच द फॉलोइंग है. यहाँ पे देखो अभी सिंबल ऑफ पीस, तो शांति का प्रतीक कौन से मंदिर को बोला गया है? लोटस टेंपल, राइट? सो यहाँ पे बी. फिर है कोणार्क टेंपल, तो कोणार्क टेंपल इज इन ओडिशा, ठीक है, तो सी. फिर है लार्जेस्ट मॉस्क्यू, तो सबसे बड़ा मॉस्क्यू है जामा मस्जिद. और फिर जामा मस्जिद कहाँ आया? दिल्ली में, तो जामा मस्जिद के सामने दिल्ली, ठीक है. ये समझ में आया सबको? फिर देखो यहाँ पे सिटी ऑफ टेंपल, जहाँ पे बहुत सारे टेंपल है ऐसी सिटी, तो दैट इज वाराणसी. पिंक सिटी किसको बोला गया है? जयपुर, तो यहाँ पे आएगा जयपुर. फिर लैंड ऑफ फाइव रिवर्स, पांच नदियां जहां मिलती है, तो दैट इज पंजाब. और गोड्स ऑन कंट्री, सो दैट इज केरला, ठीक है. समझ में आ गया सबको? तो ये याद रखना है. और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जामा मस्जिद है और यहाँ पे भी जामा मस्जिद है, तो आपको ये ध्यान रखना है, जामा मस्जिद से जामा मस्जिद को मैच नहीं करना है, दैट विल बी रॉन्ग. यहाँ पे लार्जेस्ट मॉस्क्यू जामा मस्जिद, और यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा है कि जामा मस्जिद कहाँ आया? तो दैट इज दिल्ली. तो ये चीज याद रखनी है. सिंबल ऑफ पीस लोटस टेम्पल, कोणार्क टेम्पल इज इन ओडिशा, लार्जेस्ट मॉस्क्यू है, लार्जेस्ट मॉस्क्यू हमारा है जामा मस्जिद, और जामा मस्जिद कहाँ आया? दिल्ली में. तो ये ध्यान रखना, जामा मस्जिद से जामा मस्जिद को मैच मत करना. मॉस्क्यू में जामा मस्जिद आएगा और जामा मस्जिद में दिल्ली, ठीक है. फिर है सिटी ऑफ टेम्पल, दैट इज वाराणसी. पिंक सिटी जयपुर. लैंड ऑफ फाइव रिवर्स पंजाब. और गॉड्स ऑन कंट्री, दैट इज केरला. ओके चिल्ड्रन, क्लियर अप टू हियर? वेरी गुड. सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद आवर न्यू लेसन. टिल दैट, बाय बाय. Thank you.